राम राम जी। राम 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 भाई। आप झाड़ा लगाते हो तो कौन सी जगह लगाते हो अभी झाड़ा? भाई झाड़ा तो गांव कुवाड़ में लगावा। हाँ और भाई जो संगत आने वाली बिवाणी आओ, बिवाणी तो देवसरा आओ, देवसरा तो कुवाड़ आओ, मेरा नजदीक दादी सती का मंदिर है और गांव कुवाड़ है। अच्छा जी, बालाजी किसके नाम से लगाते हो अभी झाड़ा? का नाम तो लगावा भाई झाड़ा तो। अच्छा अच्छा जी, किस किस चीज का झाड़ा लगाते हो अभी? भाई पथरी हो, सर दर्द हो, पेट दर्द हो, बालक ना होते हो, और भाई जो घुटना दर्द हो, शरीर का कोई भी रंग वो हो भाई, चाहे डिस्क की प्रॉब्लम हो, एक मोटापन छोड़ के ना, चाहे कैंसर हो, कुछ भी हो, एक मोटापन छोड़ के सारी चीजें लगाओ भाई। पीलिया अच्छा जी, हो और जो मोती धरा हो, कोई भी बीमारी हो शरीर की। हाँ अब भाई की मैं पीसा देला कोई जो है ना, हम लेंदे नहीं भाई बिल्कुल भी, फ्री झाड़ा लगावा, फ्री सेवा करांगे करांगे इतना। हाँ ठीक है जी भाई जी। हाँ झाड़ा लगवाने वाले की भीड़ देख लो, जंगवीर भगत गांव कुहाड़, ये झाड़ा लगवाने वाले की भीड़ देख लो भाई, जंगवीर भगत के गांव कुहाड़ मैं यहाँ झाड़ा लग गया भाई, जंगवीर भगत के ये दुकान लग रही है भाई, ये साधन खड़े हैं, जंगवीर भगत के झाड़ा लगवाने वाले भीड़। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो, मिठाथड़ से। क्या दिक्कत थी आपको? पेट में दिक्कत थी। पेट में दिक्कत थी। गोली दवाई कहाँ कहाँ से ली है आपने? भिवानी से। भिवानी से। इबर आम आपको? हाँ जी। गोली दवाई से आराम नहीं हुआ? ना जी। चार्ज कौन सा झाड़ा आपका? तीसरा। कितने परसेंट आराम आपको? 70%। अच्छा, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मतलब पूरा आराम हुआ है यहाँ पे, आओ झाड़ा लगवाओ, कुछ नहीं, मतलब पूरा चमत्कार दिखावे। अच्छा, आपसे कोई फीस ली गई है? ना जी। ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो? अमरेवाड़ी से आए। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? जी मेरे यहाँ शादी नहीं हो पा रही थी कई सालों से। अच्छा, तो जब पता चला बाबा के पास आशीर्वाद लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो हम बाबा के पास आए, उनका आशीर्वाद लिया, और बाबा ने हमें 31 दिनों का टाइम दिया कि 31 दिनों में आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। और सच में 31वें दिन ही हमारा रिश्ता पक्का हो गया, और उसके कुछ ही महीने बाद सगाई और फिर शादी। और आज मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ आया हूँ बाबा का आशीर्वाद लेने कि आगे भी सब कुछ सही रहे। आपसे कोई फीस ली गई फिर? नहीं जी, कोई फीस नहीं ली गई, जो हमने दान पुण्य करा बाबा ने वही लिया, बाबा ने खुद से कोई फीस नहीं मांगी। अच्छा, आपके लिए चमत्कार हो गया तो यहाँ पर? बिल्कुल, ये एक चमत्कार से कम नहीं है, और अच्छा मैं तो चाहता हूँ जो भी यहाँ आएगा उसके साथ चमत्कार ही होगा। तो आप आए, किसी को कोई भी समस्या हो बाबा के पास आए, बाबा उसका समाधान निकाल दें। अच्छा। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो? रेवाड़ी से। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत अपना, हम यहाँ झाड़ू लगाने आते थे हमेशा। अच्छा, आपका भी ऑपरेशन हो चुका सही है, और हमारे बेटे का ब्याह में हम 3 साल से तैयार ट्राई मार रहे थे, बार बार बनती बात बिगड़ जाती, बनती बिगड़ जाती, बाबा ने आशीर्वाद दिया, 31 दिन का टाइम दिया। अच्छा, तो 31 दिन में जो भी रिश्ता है वो कर रहे हैं, और वो वाकई 31 दिन होते ही वाला एक रिश्ता की बात हुई, हमने उसको फाइनल कर दिया। अच्छा, और बाबू हाथ में ही है हमारे, आइए आशीर्वाद ले लो बाबा का। अच्छा, 31 दिन से 1 दिन भी ऊपर नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है ठीक, 31 दिन से 1 दिन ऊपर नहीं हुआ, 31 दिन के अंदर शादी हो गई इनकी। अच्छा अच्छा पक्का हो गया रिश्ता, और फिर हमने महीना भर में बहुत बड़ाई कर दी, और फिर साथ साथ ही 3 महीने में शादी। अच्छा, आपकी मनोकामना पूरी हो गई? मनोकामना, बाबू का आशीर्वाद से सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, आगे भी सही रहे, बाबा के आशीर्वाद के लिए आए हम सब। अच्छा, सब कुछ बढ़िया हुआ है हमारा, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप यहाँ झाड़े लुवाने आते थे, आपसे कोई फीस ली गई है? नहीं, कोई मांगी नहीं गई, हम अपनी इच्छा से जो दिया दिया दान। अच्छा, कुछ भी नहीं दिया हमसे, कुछ मांग नहीं करी। पूरा होगा सब कुछ, वहाँ बड़ी इच्छा से हमने जो कुछ दे दान दे मंदिर के। अच्छा, तो आपके लिए चमत्कार हो गया यहाँ पर? बिल्कुल सर। अच्छा, ये भी एक चमत्कार है, इतने सुशील बहु मिली है मुझे। बाबा का आशीर्वाद है पूरा पूरा हमारे साथ, हम यहाँ आते रहेंगे, समस्या को लेकर और मुझे बताएं, यहाँ सारा समाधान मिल जाएगा। और किसी को दिक्कत हो तो बताओ, क्या कहना चाहोगे? बस और तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आराम है आपको? अच्छा, और आपको? अच्छा, आपका भी आज पांचवा झाड़ा ही है? अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं रोहतक से आया हूँ। क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत मेरे पैरों में भड़क रहती है, गोड़ों से नीचे। अच्छा, कभी हाथों में हो जाती है। हमने भगत जी का यूट्यूब पे देखा था, पूछा था, सीखिया तो यहाँ झाड़ा लगता है, उससे आराम हो जाता है। अब रात को सो नहीं पाता था। अच्छा, अब थोड़ा मुझे नींद आने लगी है, आती देरी से है लेकिन आती है। दूसरा झाड़ा आपको नींद आने लगी? हाँ, दूसरा ही झाड़ा है। अच्छा, कल आ गया। अच्छा अच्छा, एक ही लग गया झाड़ा और आप दूसरा। राम राम जी। क्या दिक्कत थी आपको? अच्छा, क्या झाड़े लुवा लिया आपने? छठा। कितना आराम आपका? आराम है। जोर तो बोलो। ठीक है, जोर तो बोल के बता। अलग आराम से, आराम। अच्छा, कौन से काम से आए हो? साग बोने से आए। साग बोने से, ठीक। राम राम जी। क्या दिक्कत थी जी आपका? मेरा पीढ़ियार मुक्ति जाना। क्या झाड़े लगवा लिया आपने? तीसरा। अच्छा, कितना आराम है आपका? मेरा कढ़ाई है, मेरा कोई नहीं ना करता, सब बचे गया। इसी हालत हो के आई थी, मर के आई थी मैं। ये दया बाबा की भी ठीक होगी मैं। अच्छा, और किसी को प्रॉब्लम हो तो क्या कहना चाहोगे? आपके लिए चमत्कार हो गया? मेरे लिए। आपसे कोई फीस ली गई है? ना, कोई फीस नहीं ली गई। कैसे पता चला था आपको यहाँ का? ये बताया था आपको, मेरे घर वालों को किसी ने तब लाया था यहाँ। अच्छा, बाबा का आई थी तभी से थी, कोई ना कहता था भाई बचेगा, ऐसी हो गया। कोई गांव में उन्होंने कहा था कि मैं बचूंगी, लेकिन बाबा की दया तो मैं यहाँ आने से मैं ठीक हुई। चमत्कार किया बाबा का, धन्यवाद। ठीक। राम राम जी। कहाँ से आए हो? गुजरानी से। क्या दिक्कत थी आपको? ये जी मैडम की दिक्कत थी। अच्छा, बाबा जी की कृपया तो ठीक हो गई। अच्छा, क्या दिक्कत थी? ये जी खाना पीना भी खाया करते ना, कोई बचा करता इसके। अच्छा, बचने की आज से कौन थी? बिल्कुल। क्या झाड़े लुवा लिए? चार झाड़े लुवाए। चार झाड़े लुवाए यहाँ पर, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, राम राम जी। कहाँ से आए हो? तेगड़ाना से। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे शरीर में दर्द है। अच्छा, आज कितने झाड़े लुवा लिए?